आज की शुरुआत कपकोट बाज़ार से, सुनसान कपकोट बाज़ार दोस्तों, ये देखो। और ये रहा समय और ये रहा मेरा काम। इसी के साथ ये रही मैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के 2:45 बजे से। सुबह से काम में बिजी हो गई थी, कल प्रांशुल का बर्थडे था, जैसे कैसे वीडियो एडिट की और अपलोड की, शेड्यूल पे लगाया, उसके बाद मैं भूल ही गई उसमें टाइटल थंबनेल टैग वगैरह लगाना, क्योंकि भूल जाती हूँ आजकल, वीडियो बनाती नहीं हूँ ना, तो अपने काम में बिजी रहती हूँ। इसके बाद ये कपड़ा सिलना है, इसके बाद ये सूट सिलना है, तो उसी में बिजी रह जाती हूँ, तो इस वजह से भूल भी जाती हूँ। साथ साथ है आज मेरा बर्थडे 18 तारीख, तो आप सभी विश करोगे, थैंक यू सो मच पहले से ही। कई सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप, हर जगह के रिप्लाई दे पाने ही मुश्किल हो रहे हैं। कई लोगों ने स्टोरी मेंशन कर रखा है, मेंशन बैक करवाना भी मुश्किल हो रखा है, क्योंकि एक जगह फोन रख देती हूँ, दूसरे फोन में गाने लगाती हूँ, गाने सुनते हुए काम करती हूँ, तो मैं भूल ही जाती हूँ। तो फिलहाल समय है दिन का, और प्रांशुल का बर्थडे तो बहुत ही अच्छा रहा, और मैं ही ठहरी अब बड़ी हो गई हूँ। ये है मेरी ड्रेस जो मैंने कल सिली थी, थोड़ा सा हाफ सर्कुलर जो है अम्ब्रेला फ्रॉक बना है, ऊपर से चोली अंगरखा स्टाइल में बनाई, और स्लीव्स कुछ इतना ही बनाया था, कपड़ा छोटा ही था, 3 मीटर का था, 3 मीटर में भी मैंने काफ़ी अच्छा घेर निकाल लिया है। तो इसके अलावा यहाँ पे कस्टमर के कपड़े हैं, और ये साड़ी का कपड़ा फ्रॉक जो है पिछले दिनों बनाया था मैंने, अभी ले नहीं गए हैं। इस पर मैं कुछ नया पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ पैंट का, और ये कपड़े हैं यहाँ पे जो 22-23 तारीख तक देने हैं, कैसे हो पाएगा। एक ऑनलाइन ये मंगाया था मैंने, ये स्टैंड है और ये इसका पॉट है। यहाँ पे ना गमले तो हैं ये, पर थोड़ा सा अलग सा लुक चेंज करने के लिए ऐसे रखूँगी तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पर का वॉलपेपर भी मंगवा लिया मैंने, तो कुछ दिनों में जब लगाएंगे तब दिखाएंगे आपको। बाजार सुनसान है, इसका काम करती हूँ, फिर खाना खाएंगे 2 बजे। ओए बैठने के अभी से कहाँ जा रहा है रे? हमने चाची वीडियो कराकर कोई नहीं। तो इसकी कटिंग मैंने कर ली है, जो पहचानता होगा उसे पता चल गया होगा, और अब चलते हैं खाना खाने। दिन के समय में देखिए दोस्तों कितनी तगड़ी धूप हो रही है, तो यहाँ पे बर्तन वर्तन भी सुबह धो ली थी। ये मेरी चटाई यहाँ कैसे फेंक रखी है, भीग गई शायद दोस्तों, तो इसको धोऊंगी मैं, चलो शाम को धो लेंगे, पूरा गंदा हो चुका है। कल इसमें बैठ के खाना खाया था और एक दूसरा था, नदी का पानी लगाएंगे तब। यहाँ पे बारात हो रही है कोने पे, हमारे इस साइड को किसी की बारात ही नहीं है, ये बंदरों की बारात कर देते हैं। अब खाना मैंने खा लिया है, डेकोरेशन देखिए दोस्तों कैसे उजड़ गई। मैंने स्पाइडरमैन का लिए अंदर सा मेड लिया था, फ्रेंड्स एक बंदर आ रहा है, हाँ वो गुब्बारे फोड़ के चले जा रहा है। हैं कितने गुब्बारे फोड़ थे बंदर? 10। तूने देखे नहीं होंगे, वो अपने मन से फोड़ रहे हैं गुब्बारे। सच्ची में वो बंदर आया सा, हाँ खा रहा होगा ये, अब ऐसा आ रहा था बंदर। चल आइसक्रीम खिलाएगा अपने रुपए से, कल जो रुपए मिले थे तुझे। मैंने खा लिया। मुझे नहीं खिला रहा है, खा लिया। ऐसा है दोस्तों ये, कल इसको कन्या पूजन में गणेश बनवाया था। वीडियो सबसे पहले बिस्तर झाड़े तो सब गंदगी, यहाँ पे कुरकुरे उरकुरे सब पड़े हैं बिस्तर में। और क्या कहना चाहेगा गाइस को, आजकल बहुत समय से वीडियो में आ रहा है तो नहीं आ रहा हूँ। क्यों नहीं आ रहा हूँ? अरे हमारी कॉमेडी वीडियो के लिए भी बोल रहे हैं लोग, कॉमेडी वीडियो क्यों नहीं बना रहे करके। अब व्लॉग कैसे बनाए, कॉमेडी वीडियो भी बनाए, व्लॉग कैसे बनाए, ऐसे ही तो बनाने हैं, कॉमेडी वीडियो भी चलते चलते बन जाती है। चल बनाए एक कॉमेडी वीडियो, है आइडिया है मेरे पास, क्या कॉमेडी वीडियो का बनाएंगे ना। ये यही है इसका, फिर नहीं बनाती हूँ मैं कॉमेडी वीडियो, मैं थोड़ा सा
अभी खाना खा के थोड़ा सा आराम, मतलब दुकान में काम करना है ना, थोड़ा सा इतना दुकान में जाऊंगी ना धूप आती है एकदम शीशे में चमकते, फिर अकेले बोरिंग हो रही है, बाजार सुनसान है। कल है बोटिंग तो देखते हैं, कल भी बहुत भीड़ होने वाली है बोटिंग में ना, वहाँ पे पूरी लाइन लगे रहते हैं इतनी लंबी। अब पता नहीं किस समय जाएंगे, या तो शाम को जाएंगे या तो दिन के समय में जाएंगे। बस चले बनाते हैं कॉमेडी वीडियो एक मस्त वाले। सुबह से टीवी देख रहा है वो, फूट रहा है अभी बंदर फूट रहे, देख लो हाँ, है तो नहीं बंदर, वो अपने मन से फूट रहे, अपने मन से फूट रहे भाई। बर्थडे ना तब मैं लाया हूँ केक, राहुल केक लाया है दोस्तों मेरे लिए, सरप्राइज केक। थैंक यू राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा मेरे को केक लाने। तो आज मेरा बर्थडे के साथ साथ नीलम की एनिवर्सरी भी आई है, वहीं से केक लेके आ रहा। कल के तीन केक बचे हैं अभी, तीन केक ट्रांसफर के बर्थडे के, तो आज काटेंगे ना आपके बर्थडे में। हाँ बढ़िया हो रहा है। तो दोस्तों एक कॉमेडी वीडियो बनाई, देखो ये हाल हुए रहते ना दिन में दुकान में, ऐसे धूप हुई रहती है एकदम कड़क, पूरी ये धूप यहाँ तक आती है, तो बोर हो जाती हूँ दिन में। तो एक कॉमेडी वीडियो बनाई आज बहुत दिनों बाद, फेसबुक पेज के खासकर लोग कॉमेडी वीडियो देखना चाहते हैं हमारी, नमो और मेरी। नमो को टाइम ही नहीं होता, थोड़ा उसके पढ़ने लिखने में भी ध्यान देते, फिर उसका ध्यान भटक जाता है वो थोड़ा, वैसे तो टीवी में लगे रहता है। वीडियो बनाने से क्या होता है कि बच्चे का ध्यान थोड़ा अलग दिशा में चले जाता है, और टीवी देखने से भी वही है, वो पढ़ने लिखने में मन ही नहीं लगा रहा है क्या कहें, तब जाके कॉमेडी वीडियो कम ही बनाते हैं। और अभी जैसे मैं फेसबुक पेज ओपन कर रही थी ना, कितने समय से मैं हर चीज़ ना यूट्यूब स्टूडियो देख पाती हूँ ना फेसबुक पेज कुछ भी, तो अभी अभी जैसे हमेशा से तो फेसबुक पेज हैक होने की जो कोशिश की जाती थी मेरी, जैसे लोगों का नया जो फेसबुक पेज होता है ना वो हैक हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो ऐसा मैसेज मेरे साथ कभी मतलब बहुत पहले से आते रहते, तो मुझे पता है कि क्या चीज़ करने से क्या होता है। जैसे कोई भी ऐसे अनजान लिंक है, अनजान कुछ भी चीज़ है, उनको अपना OTP वगैरह नहीं देना है, लिंक पे क्लिक नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ऐसे ही फेसबुक में नोटिफिकेशन टाइप के आते हैं। पहले तो ऐसे आता था कि तुम्हारी ये प्रोफाइल पिक्चर पे कुछ गड़बड़ है, फेसबुक टीम आपको इसको बदलने के लिए बोल रही है, इस लिंक पे क्लिक करो, ये वो करके इंग्लिश में आता है, हालांकि मुझे इंग्लिश नहीं आता लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, ठीक है। तो ऐसा आ रहा था, तो आज तो उनकी प्रोफाइल अलग टाइप की होती थी, आज वो काम नहीं आया उनका, तो अभी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी ऐसे साइड पे। तो ऐसे ही नोटिफिकेशन आया, तो आज उनकी प्रोफाइल पूरी फेसबुक के नाम से, तो कुछ इस टाइप का आया कि तुम्हारा ये भूल गई मैं क्या था, तो ये स्क्रीन पर आ रहा है इस तरह का, तो इसको खोलने के बाद जैसे ही आप इसको टच करोगे ये वाली नोटिफिकेशन, तो ये पूरा लिखा हुआ आपको दिखाएगा कि क्या क्या हो रखा है, क्यों हो रखा है। नमस्कार दोस्तों, तो आपको को पहचानना है, जैसे ऊपर से ना वो जो प्रोफाइल की फोटो है उसको देखने के लिए आप टच करते हो ना, वैसे उसको टच करना, तो उनकी आईडी देखना, तो वो हर किसी को उसी टाइप का मैसेज भेजे रखते हैं कि तुम्हारा ये हो रहा है, तुम्हारे प्रोफाइल तुम्हारे चैनल को ये हो रहा है करके, तो वो हर किसी को इसी टाइप का भेजते हैं, फिर वो एक लिंक लिए रहते हैं बीच में कि तुम्हें ये अपना ये ठीक करना है तो इस लिंक पे क्लिक करो, तो उस लिंक पे क्लिक करते ही क्या होता है कि मैं उसके बाद क्लिक करती नहीं हूँ, तो वहां से अंदर वो ईमेल पासवर्ड वगैरह सभी कुछ मांगते हैं। मेरा हाथ थक रहा है कितने समय से मैं फोन पकड़ रही हूँ ऐसे, तो ईमेल पासवर्ड वगैरह मांगता है, तो वहां से क्या होता है कि फेसबुक पेज हैक हो जाता है। अभी फिर हाल के टाइम पे मेरे पास 40,000 से ऊपर फेसबुक फैमिली है, फेसबुक पेज पे मेरा सही चलता है यूट्यूब की अपेक्षा, तो 40,500 कुछ ऐसे फॉलोअर्स हैं मेरे फेसबुक पे, तो इस तरह से मेरे फेसबुक पेज को हैक करने की कोशिश की जाती है हर बारी। तो आज तो मैं डरी गई, जिस हिसाब से उसने अपने फेसबुक मेटा ऐसे अगर करके लिखा था ना, अपनी प्रोफाइल भी फेसबुक के उसमें वो लोगो बना के डाल रखा ड्रा, मैं तो डर गई है, मैंने कहा क्या पता फिर कितने समय से कुछ कर नहीं रखा है फेसबुक पे, तो फिर अब सहारा लेती हूँ हाथ अड़ाने का, तो फिर मैंने कहा क्या पता कुछ हो गया होगा चैनल पे, मैं क्योंकि एक्टिव नहीं थी ना बहुत समय, 15-15, 20-20 दिन हो जाते हैं, फिर डर गई मैं। फिर जाके चेक किया, तो आप लोगों को भी बता दो कि जैसे कोई नया है तो इस टाइप का होता है, और ऐसे वो जो है हैक कर लेते हैं फिर वो हमारा फेसबुक पेज। यूट्यूब पे भी होता है इस टाइप का लिंक वगैरह जैसे क्लिक करने के लिए, तो फिर वो हैक कर देते हैं, उन चीज़ों पे नहीं टच करना चाहिए इस टाइप के लिंक, जो नए हैं उनको बता रही हूँ मैं।
इस क्षेत्र में। और पहले पहले कितना लालच दिया जाता पता है तुम्हें, $500 मिलेंगे एक एड का, $800 कम होते, $500 कम होते, कभी कभी $1,500 मिलेंगे, तुम इस चीज का ब्रांड का एड करो, तुम अपने फेसबुक पेज में ये करो वो करो। तो उस लाइक की हमारी औकात ही नहीं है, तो वो इतने डॉलर, एक डॉलर का रुपया ही होता है 82-83, तो वो हमें $2,000-3,000 दे रहे हैं एक ऐड करने के लिए, वो सब फेक होता है पता है, वो क्यों देंगे हमें कोई, हम इतने बड़े, ऐसे तो बड़े बड़े हीरो हीरोइन को ही नहीं मिलते होंगे, हाँ मिलते होंगे, तो हम तो एक कोने में पड़े हुए वो ठहरे, हमको फिक्स चीज मिलते हैं, कहीं किसी का क्रीम है, किसी का फेस वॉश है, और किसी का कुछ चीज ही है, उसका उसका ऐड करने के लिए मिलते हैं, ठीक है। बड़े बड़े जो ब्रांडेड चीजें होती हैं उनका अभी तक नहीं मिलता है हमें ऐड करने के लिए, तो वो इतने पैसे देंगे और इस चीज का ऐड करो बोलते हैं, तो वो भी नहीं होता है हमारे लायक पता है। तो वो भी पहचान लेना चाहिए कि हाँ इंसान खुश हो गया, हमें $2,000-3,000 मिल रहे हैं ऐड करने के लिए, तो टच करो ये करो, अपना फेसबुक पेज गवा बैठते हैं। तो इस तरह से फेसबुक पेज हैक होता है। मैंने बहुत ज्यादा बोल लिया है, अब मैं काम शुरू करती हूँ, अब मिलूंगी मैं सीधे 6 या 7 बजे, ठीक है। तो अभी मिल रही हूँ मैं आपको सीधे 9 बजे। तो इस तरह से कुछ फेसबुक पेज जो है चोरी करने की साजिश हो रही है, और ऐसी आईडी देख के आप उनको ब्लॉक भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आ रहे थे, रात का खाना वाना भी खा लिया, पापा आए थे गांव से, मम्मी तो गांव में ही है, कल वोट है ना वोट देने, तो आप सभी भी वोट दे रहे होंगे, दे दिया होगा वैसे जब वीडियो देख रहे होंगे आप, पता नहीं हमारी तो कैसी होती है, कल आफत आती है क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत लंबी लाइन, पिछली बहुत 4-5 साल पहले जब दिया था ना विधायक वाले वोट, तब भी दिया था मैंने पहली बार, और इस बार दूसरी बार दूंगी। और बर्थडे सेलिब्रेशन कुछ नहीं किया, क्योंकि क्या बूढ़े लोगों का भी क्या, हाँ बर्थडे होता है, तो नमोस हो गया है मगर कैसे पोज में सो रखा है, अभी थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर, जैसे 9 बजे ना या 10:30 या 11 बजे, ये पता नहीं चलने लग जाता है बिस्तर में, उठेगा फिर ऐसे, मैं डर जाती हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा हाथ थक जा रहा, पता नहीं क्यों फ़ोन पकड़ने में आदत ही नहीं हो रही है। तो ये सुबह ही 6 बजे उठ जाता है, फील्ड जाता है ना, तो इसलिए जल्दी उठ जा सो जाता है, तब जाके आधी रात में फिर चलने फिरने की आदत हो रही है इसकी। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगले नए वीडियो में, बाय बाय एंड गुड नाइट।